लोगों का अनुज ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं जा रहा हूँ वाली पीलीभीत खाली करने के लिए, आप लोगों को दिखाऊँ। कोहरा का टाइम खत्म हो गया है फिलहाल, अब भी कोहरा आ रहा है। पीलीभीत साइड जंगल एरिया पड़ता है इसलिए कोहरा है, और मैं दिखा रहा हूँ। धुंध आ रखी है काफ़ी सारी, रोड में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितनी धुंध है, बहुत ज़्यादा धुंध थी सुबह के टाइम पे, तो अब थोड़ी कम हो गई फिलहाल है। फिलहाल अभी धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हल्की हल्की धुंध अभी भी रह गई है और थोड़ी थोड़ी घाम निकलने वाली है। टाइम हो रहा है 7:09। मैं अभी नवाबगंज पार कर चुका हूँ। नवाबगंज पार करने के बाद पीलीभीत जाऊँगा, पीलीभीत बाल खाली करूँगा, देखता हूँ माल कहाँ से मिलता है। पीलीभीत से मिलेगा या बरेली से भरूँगा अभी कुछ पता नहीं है, पहले खाली करूँगा। आ चुके हैं पीलीभीत में, एंट्री हो चुकी है। भाई ये क्या है भाई, ये का नज़ारा भाई, पता नहीं इतने सारे ट्रैक्टर क्यों खड़े हैं। देखो भाई ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, पूरा डंपर खड़े हुए हैं, रैर लग रही मिट्टी की, जैसी भी चल रही है। तो आ चुके भैया पीलीभीत पर। पीलीभीत में पहला चौराहा पार कर दिया, दूसरा चौराहा शेर मुँह वाला, शेर की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। ये भाई शेर चौराया, ये निकल गया शेर चौराया। पार्टी वाले के पास पहुँचने वाले हैं जहाँ हमारा माल खाली हो। माल खाली करते ही मैं माल देखता हूँ, बस ये बात के लिए। बस वह डाम हो रहा, मैं आ गया हूँ भाई नाश्ता करने। नाश्ते में भाई चाय और प्याज की पकौड़ी, पकौड़ी उधर तल रही है नाले के पास में बैठे हूँ भाई। ये आ गया हमारी गरम गरम चाय, ये बैठा उधर ये। बहुत तेज़ भूख लग रही थी इसने रात को खाया नहीं। तो भाई हम हैं मुरली वाले चौराहे से पीलीभीत में, मैं दिखाता हूँ भाई। ये है मुरली वाला चौराया, कृष्ण कन्हैया की मुरली है भाई। और यहाँ हम कर रहे हैं हम लोग नाश्ता। ये रोड बन रहा है, प्रॉपर जगह बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पे रोड बन रहा है, रोड काम चल रहा है, इस वजह से फोटे इधर लगे हुए हैं। पहले दुकानें थी थोड़ी बड़ी मस्त लगे बात पकौड़ी, मज़ा वाला खाते हुए सुबह सुबह डाले भाई, चटनी भी आ गई चाय के साथ ही पकौड़ी। वाह भैया मज़ा आ गया, वाह भैया मज़ा आया चाय पीते हुए, पकौड़ी का नाश्ता करते हुए। भाई फिलहाल हमारी गाड़ी लग रही है, हमारी गाड़ी हो रही खाली, एक डेढ़ घंटे में दो घंटे में गाड़ी हो जाएगी खाली। गाड़ी लग रही है ऐसे नाले के पास, बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय कर रहा है, यहाँ पर चढ़ा रहा है भाई। नाश्ता करने के बाद मेरा मन कर रहा था नटगट खाने का, नटगट खा रहा हूँ भाई। नाश्ता करने के बाद मन कर रहा है नटगट खाने का, मेरा मन कर रहा था भाई साहब पानी पीने का, तो मैं पानी पी रहा हूँ भाई। आप लोगों को पीना हो तो पी लो आके। एडिटिंग करते हुए और नटखट खाते हुए बड़ा ही मज़ा आता है, एडिटिंग करते जाओ और नटखट खाते जाओ। सेविंग ज़्यादा बड़ी होगी इसे छोटी कराऊंगा, तो खाना फंस जाता है। दो मंगाए यहाँ तुम्हारे भाई ने, हमारी सेविंग नहीं है, हम अगर तल्ला आदमी है। सेविंग किन किन होती है पता है? मैं मान तो अपने आप कह रहा हूँ, हाँ नहीं मूछ है, मूछ देख ऐसी होती है। गाड़ी खाली हो रही है, ये रोड चल रहा है सामने, नहीं हमारी गाड़ी खाली हो रही है। तो हम भाई साहब सिल्लीकोड़ी जा रहे हैं। इतना बड़ा धमाका, कार नहीं बवाल भाई, क्या कार है भाई, मर्सिडीज फेल कर रही है। तो भाई कलर वलर देख रहे हो कितना मस्त हो रखा है भाई, क्या बात है। गाड़ी में हेडलाइट इसकी टूट गई है भाई, चलने में तो मस्त लग रही है, चल के आइए भाई। एक टायर पंचर होकर रखा है भाई, ऐसे ही दौड़ा रहा है इसे, मस्त लग रही है। मेरे गाड़ी के आगे खड़ी हो गई भाई, ऐसे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसको भाई। ऊपर पेंट नहीं है ये, धूल मिट्टी जमी हुई है इतनी भाई। हमारी लक्की आ चुकी टिक्की भाई, मैं खा रहा हूँ टिक्की की, मस्त लग रही है। और इधर रखे मेरे मालपुआ, बहुत तो मेरे फेवरेट हैं बचपन से ही, आज बड़े दिनों बाद मालपुआ मिलेगा, मैं खाऊँगा जरूर भाई। अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा इसका टेस्ट, ज़्यादा समझ रहा था वैसा नहीं निकला, मज़ा नहीं आया। मालपुआ मालपुआ जैसे नहीं आया, बात ले तो लिया है, आना तो पड़ा।
बता नहीं सकता हूँ कैसी फीलिंग आ रही है खाते हुए। कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, मीठा अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं आया, कट गई भाई अपनी। सोच रहा था मज़ेदार होगा लेकिन बर्बाद। भाई कोई मज़ा ना आया। मालपुए में हमने ले लिए अपने लिए एक फिच, और पीऊँगा फिच, गर्मी पड़ रही है भाई, हमने ले लिए एक फिच, स्ट्रॉन्ग फिच पियेंगे। गर्मी तो पड़ी थी, अच्छा नहीं लगा, मालपुआ खा के फीलिंग बहुत गंदी आई। फीलिंग आने का जाएगा अब खाली फिच में, जो मज़ा है और किसी में नहीं है भाई, फिच पीना है। मेज़ वाली फिच का लोगो ही चेंज कर दिया पहले, और जैसे और बोतल आती थी दूसरे में, अब देख रहे बोतल का क्या सीन बना रखा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें भी, फिच में भी मज़ा नहीं आ रहा है, फिच अजीब सी लग रही है, फिच नहीं लग रही है भाई। तुम्हारा भाई पी रहा है फिच, हवाई लगी फिच लग गई फिच। मैं जा रहा हूँ फिच पीते भी अपनी गाड़ी में, गाड़ी वो खड़ी है, खाली हो रही है, देखता हूँ कितनी खाली हो चुकी है, खाली अभी आधी गाड़ी खाली हो चुकी है फिलहाल, मैं दिखाता हूँ कितनी गाड़ी और क्या खाली हो रहा है। तुम्हारी गाड़ी में ये खाली हो रहा है, हो चुकी खाली और रह गई है भाई, दो तीन घंटे में, दो घंटे में भाई कह रहे हैं, दो घंटे में गाड़ी हो जाएगी हमारी खाली, ढाई घंटा और लगेगा गाड़ी खाली होने में। गाड़ी का माल यहीं से पक्का कर रखा है, पीली भी किसी को पीना है, देखो मत यार पीना तो आ जाए। टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है, हम एस के मिल पीली भी से एस के मिल आ चुके हैं, एस के मिल में हमारी लोडिंग हो रही है गाड़ी, फिलहाल पूरा लोड नहीं हुआ है अभी, देखता हूँ यहाँ पर कितने टाइम लोड हो रही है, लोड होने के बाद हम निकल जाएंगे भंगेल, नोएडा में पड़ता है जो, मैं सुबह आपके लिए दिखाऊँगा कैसे खाली होती है, कहाँ खाली होगी नोएडा में, नोएडा जाने का मज़ा ही कुछ अलग है भाई, स्मार्ट सिटी। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।